प्यारे, कहने का हमारा मतलब है कि अगर कोई सुखिया है तो हमारे भगवान के भक्त बड़े सुखी हैं। जरा गौर करें। अरे तीन कहे धनवान सुखी, गौर करें सभी लोग। श्रीमान ब्रजराज सिंह चाचा जी 1000 रुपया भगवान के भंडारे में अर्पित कर रहे हैं और 100 रुपया हमारे पास में भेज रहे हैं, जो कटिया के रहने वाले हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे ही दान करने की भगवान के दरबार में आप लोगों को जरूरत है। लाला भारत में पीरों की हर समय जरूरत है।
महाराज उत्तान पद परीक्षित जी बड़े दुखी हुआ करते हैं दीन बंधु, ऐसे कौन से मैंने पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। मैया सुनीति बैठ करके रोती हैं, भगवान इतनी में पाप नहीं हूं जो मैंने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। माताओं एक बात मैं आपको और बताऊं, कितनी ही बड़ी जागीर हो तुम्हारे पास, कितनी भी दौलत हो और घर में अगर एक बालक नहीं है वो तो सब व्यर्थ है। उत्तानपाद महाराज एक संतान के लिए परीक्षित जी रोते हैं और कहते हैं दीन बंधु तुम्हारी कैसी लीला है, हमारे आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई। सुनीति मैया परीक्षित जी एक संतान के लिए रोती हैं, हमेशा विलाप करती रहती है, भगवान मैंने एक संतान को जन्म नहीं दिया। एक दिन का जिक्र है, उत्तानपाद महाराज का हाथ मैया सुनीति ने अपने हाथ में रख लिया। उत्तानपाद महाराज का हाथ मैया ने अपने हाथ पर रख लिया, आंखों में नीर की धार बह आई और मैया बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, सुनिए साजन मैं इतनी बड़ी अभागनी हूं जो मैंने एक संतान को जन्म नहीं दे पाई। न जन्मो कोई बेटा साजन हुई रही है बदनामी, जन्म कोई बेटा साजन हुई नहीं है बदनामी। हम कहा करें कि तजाएं किने सुनाए जब मन की कहानी, इतनी कह के रोई पड़ी महारानी। मेरे भैया एक बच्चा के दुख में आज मैया सुनी थी सबरा सुनीति परीक्षित जी एक बच्चे के लिए बुरी तरह से फपक करके रोती हैं और कहती हैं, भगवान मैंने कौन से ऐसे पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। अपने पति का हाथ अपने हाथ में ले लिया लोगों और मैया की आंखों से आंसू निकलने लगे। स्वामी जी
कहिए कहिए क्या कहना चाहते हैं, रोती क्यों हो? सुनी थी बोली भगवान, रो नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम्हारे रोने का दुख क्या है। सुनी थी बोली महाराज, मैं इसलिए रोती हूं कि मैं इतनी पापनी हूं जो मैंने एक संतान को जन्म नहीं दिया। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, देवी रोने से संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा, रोने से चिंता करने से आयु घटेगी, रोने से संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। देवी एक संतान के लिए अगर तुम रोती हो तो एक संतान के लिए कभी कभी हम भी रोते हैं। सुनीति सुनीति बोली भगवान, क्या हुआ? आज मैं अपने दिल की कहानी तुमसे कहना चाहती हूँ। दिल खोल के कहो, एक नहीं दो कहो चार कहो, जो कहना चाहती हो वो कहो। सुनीति बोली महाराज, मेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ आप दूसरा विवाह कर लीजिए ना। दाती को पीस के जवाब दिया, क्या पागल हो गई तुम? सुनीति बोली चिल्ला काहे को रहे हो, मैं पागल थोड़ी ना हो गई। उत्तानपाद कहने लगे, बिना मतलब की बात, शादी करो शादी करो, क्यों करो? अगर मैंने की दूसरी शादी तो हो जाएगी तुम्हारे जीवन की बर्बादी। सुनीति बोली तुम्हारे पीछे में अगर भिखारिन भी बन जाऊंगी तो ही कोई परेशानी नहीं है। उत्तानपाद कहने लगे, पागल मत बनो, बिना मतलब की बात मत किया करो, समझ गए? शादी करो शादी करो, हमने शादी कर ली तो मांगे भीख नहीं मिलेगी, मौकी और मत देखो, रोना धोना बंद करो, समझ गए? सुनीति बोली हमारी कसम हो तुम शादी कर लो। उत्तानपाद बोले, बिना मतलब की बात तुम्हें नहीं मालूम है सुनीति, सुनिए कि है मोती बुरी लेकिन अच्छी, सो रही हो? कि है मोती बुरी लेकिन अच्छी, और ये कही बार तो आती आवाज लगाई है सुनीति, मेरी बात सुना सुनीति, सौत से मौत अच्छी होती है, उधर मत देखो मेरी ओर देखो, रोना बंद करो देवी, रोना बंद करो, सुनो से अच्छी होती है, बिना मतलब के रोने में लग जाती हो देवी,
मौत आती है तो एक बार लेके चली जाती है, और अगर अगर घर में सौती आ गई जीने नहीं देगी, समझ गई। और सुत देना ना देना लेना, ये पार ब्रह्म की लीला है। आवाज लगाई है सुनीति बिना मतलब के, दूसरी शादी करो शादी करो, क्यों करो काय को करो? अरे संतान देना और ना देना और दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की लीला होती है। सुनीति मैया ने परीक्षित जी अपने पति के चरणों में अपना सर रख दिया, तो आंसू पति के चरणों में डाल दिए और कहा है पति देव, अगर आप दूसरा विवाह कर लोगे तो आपके आंगन में खुशहाली आ जाएगी, मेरी छोटी बहन के गर्भ से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाएगा सारी अयोध्या में आपका सम्मान हो जाएगा। उत्तान पद बोले, हमारा सम्मान होगा फिर तुम्हारा अपमान होगा। सुनीति बोली, मैं आपके पीछे अपमान सह लूंगी, अगर इस दुखिया को आपके स्वाभिमान के पीछे अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी फिर भी मैं भीख मांगने को तैयार हूं। धन्य है माताओं भारत की नारी जो अपने पति को दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही है। प्यारे उत्तान पाद महाराज बोले, सुनीति नहीं मानती हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन बाद में रोना नहीं, समझ गए। प्यारे भक्तों उत्तान पाद महाराज चले हैं तो दूसरा विवाह करके आते हैं। कवियों की कल्पना तो ये है परीक्षित जी, विवाह कर अबध में खुशी सबने मनाई है। विवाह करके जब महाराज आए हैं तो सारी अयोध्या में परीक्षित जी खुशियां ही खुशियां। सुनीति नारी थी पहले दूजी सुरची आई, पहले वाली स्त्री का नाम था सुनीति और दूसरा जब विवाह होकर के आया है तो दूसरी रानी का नाम सुरची है। परीक्षित जी द्वार पे आई गयो हमारी जब रानी ने सुन पाई, बहन को जल्दी ले आइयो तुरंत दासी पठाई। उत्तान पाद महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं माताओं तो सारी अयोध्या में बड़ी खुशियां हैं बहनों कि महाराज का दूसरा विवाह हो गया, अब तो बड़ी रानी के गर्भ से नहीं छोटी रानी के गोदर से एक बच्चा पैदा हो जाएगा, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो महाराज का सम्मान बढ़ गया। मेरी बहनाओं
मैया सुनीति को पता चला कि मेरे महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं, तो मैया आंगन में बड़ी मगन होने लगी। अब तो हमारे आंगन में कोई ना कोई बच्चा खिलखिलाएगा, उस बच्चे के सारे में अपना जीवन काट लोगी। क्या अरमान सजाए थे उस मैया सुनीति ने, दासी से सारा किया। दासी मेरी छोटी बहन के पास में जाकर के डोले से नीचे उतार कर मेरी छोटी बहन को ले आना और कह देना कि आंगन में तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह भाई वाह, दासी चली सुरची के पास में जाकर के खड़ी हो गई। महारानी साहिबा आप डोले से नीचे उतर आइए, आपके आंगन में आपकी बड़ी बहन आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और जो बड़ी बहन का नाम सुना तो ये लगा वो किसी ने गड़ा सी मार दी हो। बड़ी बहन? दासी बोली हाँ बड़ी बहन है, उनके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था इसलिए तुम्हारे साथ विवाह किया गया। दादी को पीस के जवाब दिया कमीनी, इसका मतलब है हमारे घर में हमारी सौत है। दासी बोली तो हमसे काहे को चिल्ला रही हो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम्हारी बड़ी बहन है महाराज की दूसरी पत्नी है। परीक्षित जी दादी को पीस करके जवाब दिया, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो परीक्षित जी दासी ने महारानी सुनीति को बताया कि छोटी रानी तो आपको गालियां दे रही है। महाराज बड़ी रानी सुनीति मैया ने सोचा माताओं मेरी छोटी बहन इसलिए नाराज